रिकॉर्डिंग इन प्रो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मुझे कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन पाकिस्तान इकोनॉमी राइट नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली एज यू ऑल नो देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी आर फेसिंग, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ the kinds of interviews that you might have at IBA or CBM or other places like these, where they expect you to understand what the economy of Pakistan looks like. So what I've done is I've put forward a small video right now where I'm going to discuss the important issues that you need to be aware of. Please understand that this is just an explanation of the main issues that we face. The idea is to give you more food for thought. Aapko research karni padegi. You'll have to look at other important things like the Economic Survey of Pakistan to do some more research into what are the figures that we're looking at. But I've sort of put together a little presentation on what the important things are that you need to be aware of. So let's start off with that. So this is my first general knowledge session with you in 2023, and it's basically problems with the Pakistan's economy. We can always talk about later in terms of how to deal with these problems, but the first thing is to understand what the main issues are. Okay, because anybody can ask you in an interview question, कह जी आप बताइए कि आपके ख्याल से पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी ओके हाउ वुड यू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम्स आर बिफोर वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी कैन स्टार्ट टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट ऑन। सो आई हैव पुट टुगेदर अ लिस्ट ऑन द थिंग्स दैट I feel are important. Obviously, different people have different opinions, but in terms of what I read and in terms of what I see, these are the main things that I can identify. These are nine things that I've put forward. Obviously, there could be more things as well, but these are the important nine things that I believe that we need to focus on. So the first issue, as you can see, is high dependence on imports. पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज ऑलवेज बिन डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू मच, और उस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा रहता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है जी? करंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली, इसको हम लिख सकते हैं सी ए डेफिसिट। सो करंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मनी दैट यू गेट फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम योर एक्सपोर्ट्स। सो योर एक्सपोर्ट्स माइनस योर इम्पोर्ट्स। ओके, सो इफ योर एक्सपोर्ट्स आर मोर, लेट्स से अगर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं 100 बिलियन डॉलर्स की और इम्पोर्ट्स हैं आपकी 70 बिलियन डॉलर्स की, दैट मीन्स दैट दैट वुड बी अ 30 बिलियन सरप्लस। सरप्लस का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास इम्पोर्ट्स ज्यादा हैं, लेट्स से कि आपकी इम्पोर्ट्स हैं 100 बिलियन की और 70 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, तो आपका जो उस केस में होगा डेफिसिट हो जाएगा वो 30 बिलियन का डेफिसिट हो जाएगा। सो डेफिसिट इज व्हेन योर इम्पोर्ट इज मोर एंड योर एक्सपोर्ट्स आर लेस। तो उस वजह से आपके पास जो है वो सिचुएशन कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि आपके पास जो आप जो बाहर से डॉलर कमा रहे हैं वो कम होते हैं, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो बाहर से आप कमा रहे हैं एक्सपोर्ट करके वो कम होते हैं, और जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं जो आप बाहर से चीज़ें लेके आ रहे हैं जिनकी पेमेंट करनी है वो आपने पैसे ज़्यादा देने हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एक शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स होती है। और प्रॉब्लम यह है कि जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो आप डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं, आप पाकिस्तानी रुपये में उनको पेमेंट नहीं कर रहे होते, आपको डॉलर में पे करना होता है। और अगर आप डॉलर आप प्रिंट तो कर नहीं सकते, तो डॉलर तो आपको जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही कमाने हैं या रेमिटेंसेज आती हैं पाकिस्तान में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉरेन रेमिटेंस भी है, हमारे जितना एक्सपोर्ट है मोर और लेस उतना ही हमारा फॉरेन रेमिटेंस भी होता है, विच इज़ अ 1:1 रेशियो, यानी कि तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और तकरीबन उतनी ही हमारी रेमिटेंसेज आती हैं। तो ये पैसे हैं जो हमें पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं, और ये गवर्नमेंट को पैसे नहीं भेजते, ये अपने फैमिलीज को भेज रहे होते हैं पैसे, स्पेशली वो क्लास लेबरिंग क्लास जो बेचारे बाहर जाके मेहनत करते हैं मिडल ईस्ट वगैरह में, वो फिर पैसे भेज रहे होते हैं अपनी फैमिलीज को, वो डॉलर आ रहा होता है, वो डॉलर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आता है स्टेट बैंक के अंदर, अगर वो ऑफिशियली भेजें ऑफिशियल चार्ज के थ्रू भेजें, और फिर वो पैसा जो है उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेट बैंक जो है वो रुपये दे देती है उनकी फैमिलीज को, तो वो डॉलर आपके पास आ जाता है, उन डॉलर को फिर आप इम्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्योंकि प्रॉब्लमेटिक रहा है हमेशा से, हम हमेशा से इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे होते हैं, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है जो कि हमेशा तंग करता है हमारे को। ठीक है जी, ये नंबर वन हमारा इशू है, राइट, हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। और उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत बहुत हैं, यानी कि हमारी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स की जो मेन वजह है तो ये है कि हम
ऑयल बहुत इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारे जितने यहाँ पे गाड़ियाँ हैं उनमें हमें पेट्रोल चाहिए, उसके अलावा हमें अपने जनरेटर्स चलाने के पेट्रोल चाहिए, हमें जो हमारे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वो मजॉरिटी केस में ऑयल या फर्नेस ऑयल डिपेंडेंट हैं, और उस वजह से हम फंस जाते हैं। या अगर हम एलएनजी भी यूज़ करते हैं, एलएनजी इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो हम इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट मुल्कों से, वहाँ पे हम फंस जाते हैं, सारी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो दैट बिकम्स अ मेजर इशू फॉर अस। सो दैट्स अनदर थिंग दैट दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसी बात है, हम लोकली तो हमारे पास इतना ऑयल नहीं है, और हमारे पास अच्छा खासा गैस हुआ करता था एक ज़माने में, वो भी नहीं है, बिकॉज जब 2000 ऑनवर्ड्स जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने सीएनजी का बहुत एक पंप्स लगा दिए थे, उस वजह से हमारी अच्छी खासी गैस जो थी हमने गाड़ियां चलाने में उड़ा दी थी। गाड़ियों को तो हमने ख़राब किया ही, उसके इंजन को ख़राब किया यूजिंग गैस टू रन दोज कार्स, पर उसके अलावा हमने अपनी अच्छी खासी गैस जो है ना वो उड़ा दी। अच्छा, वो लॉजिकल उस वक्त होता है जब आप उस वक्त साथ साथ किसी एक ऐसी पॉलिसी भी काम कर रहे होते जिसमें आपके या तो और गैस के रिजर्व आप ढूंढ रहे होते, या फिर आप ये कर रहे होते कि जो आपका जो लोकल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी बिजली वगैरह है, उसके लिए आप कोई ऑल्टरनेट सोर्सेज बना रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, आप डैम्स बना रहे होते, या आप सोलर पावर की तरफ जा रहे होते, या विंड पावर की तरफ जा रहे होते, बट उन चीज़ों का हमने कोई खास काम नहीं किया। तो इवेंचुअली जब गैस ख़त्म होने को आ गई, तो अब हमारे पास ना सीएनजी देने को है, और ना ही हमारे घर में चूल्हे जलाने के लिए हमारे पास गैस आती है, और ना ही हम पावर प्लांट्स में लोकल गैस यूज़ कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हमें सारे की सारी सिचुएशन कुछ ही हो गई कि हम सब चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया। आपने सुना होगा थर कोल के बारे में, तो थर कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान, थर इज़ अ डेजर्ट इन सिंध, और वहाँ पे कोल के अच्छे खासे रिजर्व डिस्कवर हुए थे कई साल पहले, उसके ऊपर उस कोल के ऊपर, अच्छा वो हर कोल एक जैसा नहीं होता, तो जो हमारा वहाँ का कोल है वो तो बहुत हाई क्वालिटी कोल नहीं है, बट इट स्टिल यूजबल। कोल यूज़ करने के अपने नुकसान हैं, क्लाइमेट चेंज को काफ़ी इफेक्ट वगैरह आता है, बट पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो कोल है तो अब आप वही यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर एक पावर प्लांट लग चुका है ऑलरेडी, रिसेंटली वो इन एक्शन आ गया है, वो उससे बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, बट वी विल नीड अ लॉट मोर पावर प्लांट्स फ्रॉम देयर। और जो हमारे बाकी जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो फर्नेस ऑयल डिपेंडेंट हैं, तो वी हैव अ मेजर इशू ओवर देयर। सो हमें अच्छा खासा पैसा जो है वो ऑयल इंपोर्ट में ज़ाया करना पड़ रहा है, और ज़ाया ही है, बिकॉज उसके बरक्स हमारे पास कोई इतनी खास एक्सपोर्ट्स है नहीं। ठीक है जी, दूसरा जो हमारा मेजर इशू है वो है अनप्रोडक्टिव लोकल रिसोर्सेज। नाउ याद रखो, जब आप सोचते हो ना कि डॉलर क्यों महंगा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान में डॉलर 270 रुपये क्यों है जबकि इंडिया में 80-90 रुपये है, और बांग्लादेश में भी तकरीबन 100 रुपये के आसपास है, तो वाई इज़ इट दैट पाकिस्तान में डॉलर इतना महंगा है? उसकी वजह बहुत सिंपल है। देखिए, प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आपकी रिसोर्सेज, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी प्रोडक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, यानी कि आपके जो लोग हैं वो इतने प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो उस वजह से आपकी फिर चीज़ों की डिमांड नहीं रहती, या आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड नहीं रहती या कम रहती है। सो पीपल डोंट, यू नो, द वर्ल्ड अब्रॉड डजंट केयर, दे कैन बाय इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दे कैन बाय इट फ्रॉम चाइना, दे कैन बाय इट फ्रॉम इंडिया, दे कैन बाय इट फ्रॉम वियतनाम, यू नो, यू विल फाइंड पीपल गोइंग टू ऑल दोस प्लेसेस टू बाय स्टफ। सो योर प्रोडक्टिविटी फॉर वेरियस रीजंस इज लो, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ योर करेंसी वर्सेस द अदर करेंसीज। सीधी सी बात है, तो प्रोडक्टिविटी इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। यू नो, आजकल आप देखते हैं ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस में लोग बात कर रहे होते हैं अबाउट हाउ टू यू नो अर्न मनी थ्रू यूट्यूब, और यू नो आप शॉपिफाई पे स्टोर्स खोल लें, या आप अमेजोन के ऊपर काम कर लें, वो सब चीज़ें शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं, बट दैट दोज आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सो वन थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज बिल्डिंग आवर स्किल्स। यू नो, इफ यू बिल्ड योर स्किल्स एंड यू आर एबल टू सेल दो स्किल्स टू people who need those skills, you will be able to earn a lot more. That is something that needs to happen versus ये कि आप YouTube videos बना लें, या आप इस तरह चीज़ों पर income generate कर लें। एंड टाइम इज इम्पॉर्टेंट, आप जितना टाइम उन चीज़ों पर लगाएंगे, वो टाइम आपको अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे बैक होगा। ये जो बाकी चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म पे बैक है, वो पैसा आएगा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लोकल रिसोर्सेज हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। उसका इसका जो ताल्लुक है सारा का सारा, इस चीज़ का प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो आपकी एजुकेशन और आपके स्किल्स के ऊपर है, राइट? सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ठीक है जी,
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स आपकी स्टैगनेंट हो गई हैं। स्टैगनेंट का मतलब ये है कि वो अब बढ़ नहीं रही हैं, और जब भी कोई चीज बढ़ना रुक जाती है तो फिर वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, और दे हैव एक्चुअली बिगन टू डिक्लाइन एज वेल। देखिए, हमारी मेन एक्सपोर्ट्स हैं क्या? हमारी मेन एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स हैं, हमारी स्पोर्ट्स गुड्स हैं, हमारे कुछ सर्जिकल गुड्स वगैरह हैं, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। बट अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ग्रोथ आनी चाहिए एक्सपोर्ट्स के अंदर वो नहीं आ रही। और टेक्सटाइल्स में ऑब्वियसली बांग्लादेश हमसे बहुत आगे जा चुका है, बहुत सारे मुल्क हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं, और उनके आगे जाने की वो खास वजह है नहीं, सिवाय ये कि उन्होंने एक सर्टन चीज़ पे इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर काम किया, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया अपने बिजनेसमैन को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उनको इंसेंटिव दिया टू एक्सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। बात सारी ये है कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज होती है, देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम होता है इनेबल करना। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट को और अपने बिजनेसेस को वो माहौल प्रोवाइड करे जिसमें वो ग्रो कर सकें, और उनको रिसोर्सेज दें जो कि चाहिए उनको टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल, राइट? एक और, हाँ, हमने ये जरूर सुना है कि गवर्नमेंट्स ने कई दफ़ा सब्सिडीज दी हैं हमारे लोकल बिजनेसमैन को, और लोकल बिजनेसमैन ने उन सब्सिडीज का अनड्यू एडवांटेज लेके उसके साथ कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की। जाहिर सी बात है, आप जब सब्सिडीज देंगे, सिर्फ सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ये होती है कि जी मुझे कहा गया कि आप एक्सपोर्ट कर लें इतने रुपयों की या इतने डॉलर्स की, तो हम आपको एवज में इतने पैसे कुछ दे देंगे, या आपको सस्ता फाइनेंस दे देंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। तो उन सब्सिडीज को सही से इम्प्लीमेंट करना और उनके रिजल्ट्स को मॉनिटर करना भी जरूरी है। ये नहीं कि आपने सब्सिडी दे दी और आप भूल गए 5-10 साल के लिए, और 5-10 साल के बाद जाकर आपने देखा क्या पोजीशन है। बड़ा जरूरी है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो उन सब्सिडीज को देने के बाद फिर उनको इवेल्युएट भी करे कि उन सब्सिडीज का कोई रियल एडवांटेज है या नहीं है, और फिर उनको सही करते रहे, उनको एडजस्ट करते रहे, यानी 1 साल दी, 2 साल दी, फिर उनका रिजल्ट देखा, फिर उसको ट्वीक किया, उसमें चेंजेस लेके आए, ताकि एक एंगेज रहे आपकी जो इंडस्ट्री है वो एंगेज रहे कि हाँ जी द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस। और सिर्फ ये नहीं होगा जी हमने सब्सिडी से पैसे ले लिए या फायदा उठा लिया और हम लेके चले गए। मतलब द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर दैट इट स्टेज एंगेज विद द एंटायर इंडस्ट्री एज वेल, ताकि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेके आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लेके चला ना जाए। सो दिस अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या एरियाज हैं जिसपे गवर्नमेंट काम कर सकती है? यू नो मैनी मैनी एरियाज है वी कैन वर्क ऑन। जो हमारा एक टेक्सटाइल का एक हमेशा से एक अच्छा एडवांटेज रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एंगेज करने की ज़रूरत है, अपने बायर्स को लाने की ज़रूरत है, अपने एक्सपोर्टर्स को बायर्स के साथ मिलाना, उनको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ला के देना, एक प्रॉपर एंगेजमेंट चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने बायर्स को कन्विंस करना चाहते हैं तो वो बायर्स आपके ये भी देखना चाहते हैं कि आप टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। उसमें फिर ज़रूरी है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर बिजली मिले, उसको प्रॉपर पानी मिले, उसको प्रॉपर गैस मिले, उसको प्रॉपर अपने जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो मिलते रहें, और फिर उसकी जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो जो आदमी गारमेंट्स बना रहा है उसको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको बटन्स चाहिए, उसको जिपर्स चाहिए, उसको पैकिंग मटेरियल चाहिए, ये सब रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनको भी साथ में इंकरेज करना पड़ता है ताकि आपको उन चीज़ों के लिए इम्पोर्ट ना करना पड़े। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप को बटन बाहर से लेके आना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आप लोकली शर्ट बना रहे हैं, तो या जिपर भी आपकी बाहर से उठ के आ रही है, तो व्हाट्स द पॉइंट? यू नो, यू नीड टू मेक इट लोकली। तो वो सारा एक पूरी वैल्यू चेन है जिसको आपको लोकली डेवलप करना पड़ता है, ठीक है जी। चौथा आपका जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी कॉस्ट और इनफिशेंसी है। अब मैंने जिक्र किया था पहले भी आपको कि एनर्जी के अंदर हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि हमने चीप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सपेंसिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसके अलावा ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत वेरिएबल है वो, और काफ़ी सालों से अब तो काफ़ी हाई हो चुकी है, और उसका उसको अगर एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया जाएगा तो बसले मसायल तो रहेंगे। तो मैं लोकल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करना ज़रूरी है ताकि हम डॉलर्स पे फोकस ना करें। मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था, प्रोफेसर आतिफ मियां है, काफ़ी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उन्होंने भी जिक्र ये किया कि फॉर एग्जांपल सीपैक में पाकिस्तान ने काफ़ी चाइना से इन्वेस्टमेंट लिया और महंगे पावर प्लांट्स लगा लिए, और वो सारे कोल आपके ऑयल डिपेंडेंट हैं, और उसका मतलब ये है कि जब आपने वो पावर प्लांट्स को चलाना है तो उसके लिए आपको ऑयल लेके आना है, और ऑयल कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा, आपके पास तो ऑयल है नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सपेंसिव ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ना सिर्फ वो एक्सपेंसिव है बल्कि उससे आपके डॉलर्स भी इस्तेमाल होंगे जो कि वैसे ही आपके पास नहीं है, तो एक मुसीबत यहाँ खड़ी हो जाती है। सो आपके जो पावर प्लांट्स लगने चाहिए थे, या तो वैसे पावर प्लांट्स लगते
जिनका लोकल रिसोर्सेज के ऊपर कुछ होता है, या तो रिन्यूएबल्स होते हैं, सोलर हो जाता, विंड हो जाता है, या फिर नहीं लगते। मतलब आपको, आपने एक चीज खरीद ली, यानी फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ी है, अब आप चाहें तो आप एक सस्ती गाड़ी खरीद सकते हैं जो फ्यूल एफिशिएंट है, और जिसके अंदर आपके पास 1 लीटर के अंदर वो गाड़ी जो है वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चली जाती है। आजकल काफ़ी गाड़ियां ऐसी आना शुरू हो गई जिनके इंजन छोटे हैं और एफिशिएंट है, वर्सेस आपने एक महंगी गाड़ी खरीदी किसी से लोन लेके, और उसका जो लोन से आपने गाड़ी तो खरीद ली, मगर अब आपका जो पेट्रोल का बिल है वो आसमान से बातें करेगा, बिकॉज उसमें जो इंजन लगा हुआ है वो एक बहुत बड़ा इंजन है, और वो 1 लीटर के अंदर हार्डली 4 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो दैट्स नॉट लॉजिकल, राइट? सो इट डजंट मेक सेंस, इनफैक्ट आई डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़ी गाड़ियां हैं ये अलाउ भी क्यों होती हैं, जिनके इतने इनएफिशिएंट इंजन हैं, ये अलाउ ही क्यों होती है। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू नीड टू निप इन द बड। मतलब एक यंग एज से जो है ना, उस चीज को छोड़ना जरूरी है कि यार आपने ऐसी बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मतलब क्या जरूरत पड़ी है, राइट? आप कि कोई मुल्क में कोई दूध की नहरें तो नहीं बह रही ना, आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए, और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें और बिजनेसेस बनाएं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बनस्पत ये कि आप ये बड़े बड़े V8 के इंजन इम्पोर्ट कर लें और उसको बस सिर्फ दिखाने के लिए पेट्रोल जाया करें। दैट इज नो पॉइंट, राइट? आई मीन आई सीरियसली डोंट अग्री विद दैट पॉलिसी एट ऑल, बट खैर इन एनी केस हम कहते रहेंगे इनको क्या फर्क पड़ना है। सो एनर्जी कॉस्ट और इनएफिशिएंसी, अच्छा इनएफिशिएंसी भी है हमारे, यानी कि एक तो हम ना सिर्फ बिजली महंगी बना रहे हैं बल्कि हम उस पर नुकसान भी अच्छा खासा कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ये होता है कि जी आपने सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपने एनर्जी डाली तो वो पूरी तो नहीं पहुंचेगी, 100% तो बहुत पहुंचना मुश्किल है अपने अपनी जगहों पे, बट हमारे यहाँ शायद डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस समवेयर अराउंड 30-40% है। उसका मतलब ये है कि अगर आप 100 मेगावाट एनर्जी डालते हैं सिस्टम के अंदर, तो आप सिर्फ 60 मेगावाट जो है वो कंज्यूम प्रॉपरली होती है, जिसका आप बिल कर पाते हैं, बाकी 40 मेगावाट या तो चोरी हो जाती है या जाया हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ अपेरेंटली वन ऑफ द हाइएस्ट रेशियोज ऑफ लॉसेज इन द वर्ल्ड, यानी इतना ज्यादा लॉस एनर्जी का दुनिया में किसी मुल्क में शायद नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट, ओके? अच्छा, उसका नुकसान क्या? उसका नुकसान ये, एक तो पहली बात कि आपको आपको वो फिर जो लॉस हुआ है जिस एनर्जी का वो प्रोड्यूस करने के लिए, आपको और महंगा तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहला मसला, तो जिसके लिए डॉलर नहीं है आपके पास। दूसरा मसला ये है कि जिन लोगों को वो 60 मेगावाट पहुंच रहा है 100 में से, उनसे आप कॉस्ट पूरी 100 की रिकवर करना चाहेंगे। उसका मतलब ये कि वो लोग जो कि एक्चुअली बिजली प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए पे भी कर रहे हैं, उनको वो जो 40% जो लॉस हो रहा है उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिक्स करें इसकी, तो उसका मतलब ये है कि मेरी कॉस्ट अगर मैं सही से पे कर रहा हूँ तो 50% ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट आई शुड बी पेइंग। अगर मुझे 100 रुपये पे करना चाहिए था तो मैं 150 रुपये पे कर रहा हूँगा बिकॉज ऑफ दैट 40% लॉस, ओके? दिस इज अगेन नॉट, पहली बात इट्स नॉट फेयर। जो आदमी सही से यूज कर रहा है बिजली, उसको फिर इनकरेजमेंट होगी कि वो भी चोरी करे। यानी कि आप देखें ना, अगर जो आदमी सही इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसको सही इस्तेमाल करने पे उसको पिनलाइज किया जा रहा है कि यार तुम्हारी बिजली तुम 100 रुपये की इस्तेमाल कर रहे हो, बट हम तुमसे लेंगे 150 रुपये, बिकॉज वो जो 40% हम लॉस कर रहे हैं वो लॉस हम रिकवर नहीं कर सकते। वी कांट कंट्रोल दैट, वी डोंट वॉन्ट टू कंट्रोल दैट, और वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। या तो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है या हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो आदमी सही इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर आप 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, और फिर आप उसको क्या इनकरेजमेंट कर रहे हैं कि यार तुम भी चोरी कर लो, राइट? आई मीन दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। दिस इज नॉट जस्ट एंड दिस इज नॉट एफिशिएंट एज वेल। तो अगर हम जस्टिस को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम सिंपली इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, और सिर्फ मोरालिटी को छोड़ दें, तो हम सिंपली इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, वो आदमी जो 100 रुपये की बिजली कंज्यूम करके 150 रुपये पे कर रहा है, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, उसके अखराजात भी ज्यादा है, तो फिर तो इन्फ्लेशन होगा ना, बिकॉज ही इज गोइंग टू पास ऑन दैट कॉस्ट टू द कस्टमर, सो समबडी हैज टू पे इट, इवेंचुअली द कस्टमर्स विल पे इट, एंड देन द कस्टमर्स विल स्टार्ट स्क्रीमिंग के यार हमें महंगी चीजें क्यों मिल रही हैं। तो ये मसला। फिर नंबर 5 पे हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि स्टक अप हैं इन इनएफिशिएंट एसेट्स में। अच्छा जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, जो कि कहा जाता है स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, बट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप देखें उसमें कोई इन्वेस्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, और मेजोरिटी केस में लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करते। लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि स्टॉक मार्केट है क्या और वो क्यों काम करती है और उसमें होता क्या है। बस ये है कि जी वो एक खबर लग जाती है कि जी आज इतने पॉइंट्स बढ़ गए, इतने पॉइंट्स गिर गए। नोबडी रियली अंडरस्टैंड्स व्हाट दैट मींस।
तो हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहाँ कर रहे होते हैं जी? जिसके पास थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं वो क्या करता है, वो कहता है यार चलो मैं एक फ्लैट बुक करा लेता हूँ, मैं एक छोटा सा प्लॉट बुक करा लेता हूँ, मैं एक घर में पैसे लगा लेता हूँ। इस तरह की चीज़ों में हमने पैसे डाले हुए हैं, तो उससे हो क्या रहा है, ये जो पैसे हैं अच्छा जब वो चले जाते हैं उस एसेट के अंदर, फिर वो उस एसेट से निकल के किसी एक और इसी तरह के एसेट में चले जाते हैं। आपने आज 100 गज का प्लॉट बुक किया, कुछ अरसे बाद आपने 200 गज पे ट्रांसफर कर लिया, उसको बेच दिया, कुछ पैसे और मिला लिए, 200 गज पे चले गए। तो इवेंचुअली मकसद ये होता है कि जी हम प्लॉट्स पे प्लॉट्स खरीदते रहें, ये नहीं होता कि जी हम कोई उस पैसे से बिजनेस सेटअप कर लें, कुछ 4-5 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर दें, कोई हम ऐसा काम कर लें जिससे हमारे मुल्क का भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। और बाय द वे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इनफिशियंट रिसोर्स होती है ये, जो ये प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होती है। और मुझसे हमारे बहुत से दोस्त हैं वो हमेशा आगे ये कहते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आज तक लोग पाकिस्तान में प्लॉटों के पीछे क्यों भाग रहे होते हैं, देर आर सो मनी बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज टू लुक एट इफ वी वांट जस्ट टू अंडरस्टैंड। बट क्योंकि हम एक टाइट एक एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, हमारा बाहर का एक्सपोजर बहुत कम होता है, तो हम सिर्फ इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब पीछे अब कुछ अरसे में क्योंकि बिटकॉइन का बहुत शोर मचा था, तो बहुत लोगों ने बिटकॉइन बिटकॉइन करना शुरू कर दिया, उसमें भी काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया अनफॉर्चुनेटली। पर वी एंड अप पुटिंग मनी इन ऑल काइंड्स ऑफ इनफिशियंट रिसोर्सेज आई थिंक, एंड उसके बिहाइंड जो एक एक जो थॉट प्रोसेस है वो है टू गेट रिच क्विकली। एंड नोबडी हैज़ ए 20 ईयर विजन के जी 20 साल के बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, बिकॉज अगर आपका 20 साल का विजन हो तो आप कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। आप बिजनेसेस सेटअप करेंगे, आप बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप नई चीज़ों की तरफ जाएंगे, ना कि ये कि आप इन जगहों पे पैसे अपने टाई डाउन कर दें। बट हमारे यहाँ ऑब्वियसली एक और मसला ये भी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें हम डिपेंड कर सकें कि अच्छा अगर हमारे खुदा ना खास्ता हमने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ नुकसान हो गया, बिकॉज बिजनेस में नुकसान भी होता है, तो हम डरते भी हैं कि यार अगर हमारा नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, राइट? वो हमारे पास जो छोटे मोटे पैसे थे, हम अगर वो 40-50 लाख रुपए किसी ने जमा किए हैं वो एक प्लॉट में लगा देता है, तो एटलीस्ट वो समझता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा, तो वो घट भी नहीं जाएगा, तो अगर वो घट गया तो मैं क्या करूंगा, राइट? तो एक मसला ये भी है लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में जो डरने का है वो ये भी। खैर वो एक सोशल इशू भी है और वो एक इकोनॉमिक इशू भी है, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे यू नो अगेन दीज आर हम जितने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये हम इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, ये काम हमारी पॉलिसी मेकर्स का है कि इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठ के काम करें और इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और कलेक्टिवली हमने एज अ सोसाइटी हमने इन चीज़ों को टैकल करना है। इंडिविजुअल को नहीं कर सकता, इंडिविजुअल 3-4-5 लोग कर लेंगे, बट एज अ सोसाइटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन 4-5 लोगों के करने से, वो एक कलेक्टिव माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। जिस तरह से आप देख चुके हैं कि बांग्लादेश में माइंडसेट चेंज हो चुका है, जिस तरह से इंडिया में माइंडसेट चेंज हो चुका है बिजनेस की तरफ जाने का, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हमें इनएफिशिएंट रिसोर्सेज से निकाल के, आपने देखा होगा कि रिसेंटली मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक टैक्स इम्पोज किया है ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग, तो वो टैक्स लगाने का जो मकसद था वो भी ये था कि पैसा जो है वो प्लॉट से निकल के एफिशिएंट एसेट्स में जाए। प्रॉब्लम ये कि इन हालात में एफिशिएंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है, यू नो आप सिचुएशन देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर कोई प्लॉट बेच भी देगा तो वो गोल्ड खरीद लेगा, बिकॉज गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है, या वो डॉलर खरीदने की कोशिश करेगा जो कि वैसे अवेलेबल नहीं, बट वो कोशिश जरूर करेगा कि डॉलर खरीद के लॉकर में डाल दे, बिकॉज वहां पैसे बन जाएंगे एटलीस्ट, यू नो। तो इस तरह की चीजों में लोग डालेंगे, या तो वर्स्ट केस सिनेरियो में कहेंगे कि नहीं यार चलो प्लॉट में रहने दो, अगर टैक्स ही पे करना है ठीक है आई विल बेयर द टैक्स, बट दैट्स अबाउट इट एंड आई विल लिव विद इट। बाय द वे वो टैक्स सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लगा हुआ है जो रेंटेड आउट नहीं है, तो अगर आपने रेंट पे दी नहीं वो जगह तो वैसे भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना, आपकी जो रेंटल इनकम उस पर आप टैक्स पे करेंगे। खैर तो ये एक मसला जरूर है। नंबर 6 पे दिस इज समथिंग दैट इज ऑब्वियसली विजिबल टू ऑल ऑफ अस, लैक ऑफ एजुकेशन और एंड अ टेंडेंसी टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन डिसडेनफुली। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव कम अक्रॉस दिस इशू के यार आपके बहुत सारे दोस्त वगैरह या फैमिली के लोग ऐसे होंगे जो कि एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, या समझते हैं कि एजुकेटेड आदमी जो होता है वो शायद इतना रिसोर्सफुल नहीं होता या इतना ब्रेव नहीं होता। हम कई दफ़ा सुनते हैं कि जी किताबें आपने पढ़ ली मगर आपने ज़िंदगी से क्या सीखा, वो यू नो ठीक है एजुकेशन की अपनी लिमिट्स भी होती हैं, बट जो मेरे हिसाब से एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज़ है वो ये है कि इंसान को सीखने की कैपेसिटी दे सके। अगर आपने कोई भी एजुकेशन हासिल की है और उसके उसके बेसिस पे आपके अंदर एक सेल्फ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है टू लर्न मोर, दैट आई थिंक इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन माई ओपिनियन, राइट? इसीलिए मेरे हिसाब से जो है ना वो जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इंसान को सीखनी चाहिए उसमें
अंग्रेजी है लैंग्वेज बड़ी जरूरी है, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स एडवांसेस आर प्रिंटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी तो आप कुछ सीख सकेंगे। उसके अलावा मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, बिकॉज एक तो मेरा वो खुद सब्जेक्ट है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथमेटिक्स हमें क्रिटिकल रीजनिंग सिखाता है। जिसकी मैथमेटिक्स यूजली अच्छी होती है उसकी यूजली क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उन लोगों की क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी होती है जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं होती बट रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। बट जनरली स्पीकिंग जिनकी मैथ अच्छी होती है उनकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स भी कंपेरेटिवली बेहतर होती हैं। और मैथ का लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैथ आने से आपको बहुत चीज़ें अच्छी आ जाती हैं। तो ये दो चीज़ें जो मेरे हिसाब से बड़ी ज़रूरी हैं, हमें आनी चाहिए। और मगर उसके अलावा हमारे यहाँ एजुकेशन में जो ज़्यादा फोकस रहा है उसमें इंजीनियरिंग की तरफ इतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और हमारा जो फोकस है मेजोरिटी केस में लोग बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर मेडिसिन पढ़ना चाहती हैं। एक बड़ा ट्रेंड है नज़र आता है आपको, जितने सालों से मैं एजुकेशन में हूँ मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रेंड्स क्या हैं, लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। बट एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप एजुकेशन नहीं हासिल करते तो फिर आपका स्कोप लिमिटेड रहता है और फिर आप इंटरनल ही सोच सकते हैं, आप एक्सटर्नल इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। ठीक है जी। एक ये आर्ग्यूमेंट हमेशा रहता है कि जी दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे रहे हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थे या जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे। मेरे ख्याल से वो एक बहुत सिंपल सिंपलिस्टिक व्यू है, क्योंकि आप ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों को देखेंगे ओवरऑल मेजोरिटी केस में तो वो सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। ये बहुत एक एक आप आउटलायर्स को उठा के उसके बेसिस पे एग्जाम्पल बना लेते हैं, दैट डज नॉट मेक सेंस। और बाय द वे बिल गेट्स बहुत ब्राइट आदमी था, और तो उसने अगर कॉलेज छोड़ा भी तो उसका बिजनेस चल पड़ा था इसलिए उसने छोड़ दिया था। स्टे सेम केस विद स्टीव जॉब्स आई बिलीव। सो लेट्स नॉट पिक अप दोज आउटलायर्स टू बिल्ड आवर एग्जाम्पल्स। ओके जी। नंबर 7, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सबको पता है जी हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है और पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। सो जब तक हमारे यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हमें जो है ना वो मसला रहेगा। और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकली मच्योर लोग आए पॉलिटिक्स के अंदर। हैं बहुत सारे लोग हैं भी पॉलिटिकली मच्योर, बट जो बाय एंड लार्ज लोग हैं वो इनएफिशिएंट हैं या वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। तो वो जब भी आते हैं तो वो पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं जिनका जो बहुत अपने फ़ायदे के लिए होती हैं कि जी मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरे फैमिली को फ़ायदा हो जाए, मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो जाए, मेरे बिजनेसेस चल पड़े। सो यही सारा शोर जो मचता रहता है करप्शन का। आई एक्चुअली बिलीव करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। सम पीपल से दैट इट्स करप्शन हर जगह होती है। मेरे मेरा ख्याल ये है कि करप्शन हर जगह तो होती है, यकीनन होती है, बट हमारे यहाँ करप्शन कुछ ज़्यादा ही होती है। सो अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और वो लोग जो कि सेक्रीफाइस करने को राजी हों, जिस केस में ऐसे लोग हैं जो कि पूरा उड़ा के ले जाना चाहते हैं, और ऐसे केस में ऐसे भी लोग होने चाहिए जो कि अपना सब कुछ लौटा देना चाहते हैं अपने मुल्क के खातिर। मुश्किल है ऐसे लोग मिले, बट एटलीस्ट कुछ ऑनेस्ट लोग अगर पॉलिटिक्स में आ जाएं तो उससे फायदा हो सकता है इंशाल्लाह। नंबर 8, टू मच बोरिंग बाय द गवर्नमेंट एंड द मनी बोर्ड हैज बीन ईदर इन्वेस्टेड इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स और साइफंड ऑफ। ऑब्वियसली पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज्यादा हैं, आप हमेशा सुनते रहते हैं पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज्यादा हैं। आपको $100 बिलियन का फिगर मिलता है, आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाएंगे। इसमें दो तरह की बोरिंग होती है गवर्नमेंट की बोरिंग। एक तो लोकल बोरिंग होती है, इंटरनेशनल बोरिंग होती है। लोकल बोरिंग ये होती है कि जी आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने खर्चों को फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तानी बैंक्स से या पाकिस्तानी लोगों से बोरो करती है पैसे, वो लोकल रुपी बोरिंग होती है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पे ऑफ करती है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहते हैं तो उस तरह से गवर्नमेंट की इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक मसला तो यह है। उसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन बोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने डिफरेंट मुल्कों से कर्जे लिए हुए हैं, डिफरेंट मल्टीलैटरल एजेंसीज कहलाती हैं जिनसे बोरिंग की हुई है, और वो डॉलर टर्म्स में बोरिंग की हुई है। उसका मतलब ये कि पाकिस्तान को जब वो डॉलर, और ये बोरिंग है, ये पैसे आपके अपने नहीं है, आपने पैसे वापस करने हैं, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे ऑफ कर रहे हैं, कर्जा है तो सूद भी पे कर रहे हैं, और उसके अलावा आपको वो पैसे वापस भी करने हैं, और वो पैसे सारे ड्यू होते जा रहे हैं। इनफैक्ट एज वी आर टॉकिंग यू नो इन द नेक्स्ट 3 to 4 months पाकिस्तान ने कुछ करीबन $20-25 बिलियन पैसे वापस करने हैं। वी डोंट नो कैसे वापस करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव, हमारे पास 3 बिलियन के भी रिजर्व नहीं है, तो हम कैसे वापस करेंगे, दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। और IMF का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका काम है बेसिकली गवर्नमेंट्स को हेल्प आउट करना। अगर आपकी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उसमें वो पैसे देती है।
बट IMF के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स इट्स लिक्विड इट्स इट्स प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। उसका मतलब ये है कि आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को वो जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। और जाहिर सी बात है, एक बात याद रखें, जब भी कोई आप कर्जा किसी से लेने जाएंगे ना, आप बैंक में जाएंगे कर्जा लेने के लिए, तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि आपको पैसा किस लिए लेना चाहते हैं, और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि जी आप पैसे वापस कैसे करेंगे, और तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि जी आप कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्या आपके घर के कागजात आप दे सकते हैं, कोई गाड़ी के कागजात दे सकते हैं। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। द बैंक नीड्स टू लुक एट द पर्पस, नंबर टू हाउ विल यू रिटर्न द मनी, एंड नंबर थ्री डू यू हैव सम सिक्योरिटी टू मेक श्योर दैट इफ यू आर अनएबल टू पे द मनी देन दे वॉन्ट टू रिकवर देयर मनी बाय सेलिंग योर एसेट। तो वो कहेंगे ठीक है जी, घर के कागजात हमारे पास रखवा दीजिए, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, ओके फाइन, गाड़ी के कागजात रखवा दीजिए या घर के कागजात रखवा दीजिए। सो कोई ना कोई उनको सिक्योरिटी चाहिए, राइट? सेम एज विद इंटरनेशनल लेंडिंग, दीज इंटरनेशनल लेंडर्स वॉन्ट टू नो हाउ यू विल रिपे द मनी, एंड पाकिस्तानी केस में दे कैन सी दैट वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे द मनी बैक बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन दैट वी टॉक्ट अबाउट ऑलरेडी, राइट? हमारे पास लिक्विडिटी हमेशा मसला। और दूसरी बात ये कि अच्छा, अगर आपने रुपए में पैसे बोरो भी किए होते, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करते हैं, आप पैसा प्रिंट कर देते हैं और उस प्रिंट करके आप वापस कर देते हैं। यू माइट आर्ग्यू कि लोकल लेंडिंग को तो आप ऐसे वापस कर सकते हैं, विच बाय द वे यू शुडन डू, उसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, और पैसे मनी सप्लाई को आप ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते उठा के, उससे आपके इन्फ्लेशन भी इफेक्ट आता है जो कि हमेशा प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। दैट समथिंग दैट एन इकोनॉमिस्ट कैन देन एक्सप्लेन टू यू बेटर, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है प्रॉपरली। तो खैर, बट डॉलर तो आप प्रिंट नहीं कर सकते ना, डॉलर तो आपने कमा के वापस करने हैं, और अब पैसा हमने बोरो किया डॉलर में। अब आपको अगर मालूम था कि आपके पास डॉलर नहीं है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि जब आपने बोरो किए तो आपने क्या सोच के बोरो किए, कि आप पैसे कैसे वापस करेंगे, आपका मुल्क कैसे वापस करेगा? तो जवाब ये कि जी आपने सोचा ही नहीं, आपने ये कहा कि बस हम पैसा बोरो कर लेते हैं, हम 2-3 साल गुजार लेंगे, हमारी हुकूमत चल रही है, वो सुकून से गुजर जाएगी, फिर जो अगला बंदा आएगा उसके सर पर ये कहानी पड़ेगी और वो परेशान रहेगा, और फिर वो हमें गालियां देगा, फिर वो परेशान होगा, वो बोरो करेगा, फिर कोई और आएगा वो गालियां देगा, वगैरह वगैरह, एक साइकिल एक चेन चलता रहेगा, और मुल्क के ऊपर अच्छा खासा डॉलरों का लोन बढ़ता चला जाएगा। तो सर, अनसस्टेनेबल अमाउंट्स के हमारे लोन्स हो चुके हैं, उनको वापस करने के लिए या तो आपको की हुकूमत को कोई अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, और उससे डॉलर्स जनरेट करके आपने लोन्स पे ऑफ करने पड़ेंगे, तो वो आपके एसेट्स भी जाएंगे और इवेंचुअली आपने पैसे वापस करने हैं किसी ना किसी तरह से। सो होगा क्या, होगा ये कि आपको करनी पड़ेगी समथिंग कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग ये होती है कि जिस बंदे से आपने पैसे बोरो किए हुए हैं उसको आप ये कहते हैं कि भाईजान मैं आपके पैसे वापस नहीं कर सकता, तो गुजारिश ये है कि ये पैसे जो है ना ये मैं आपको 2 साल बाद वापस करूंगा या 3 साल बाद वापस करूंगा, आप इसकी टर्म्स को रिडिफाइन कर दें। अब उसमें नेगोशिएशंस होंगी, उसमें बाकायदा आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे जो आपको उस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे, और इवेंचुअली ये किया जा सकता है। बट उसमें नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो बेसिकली आपका मुल्क चला जाता है डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अब आपकी हुकूमत को कोई मजीद कर्जा नहीं देगा, बिकॉज उनको मालूम है कि जितना कर्जा लिया है वही वापस नहीं कर सकते, तो कोई मजीद कर्जा नहीं देगा। आपके ट्रेड पर भी इफेक्ट आता है, बिकॉज जो आपके लेटर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो फिर ऑनर नहीं होते, बिकॉज आपकी एलसी को एक्सेप्ट नहीं करता। एलसी बेसिकली यूज की जाती है फॉर इम्पोर्ट, एक बैंक जो आपका, अगर आप इम्पोर्टर हैं तो आप अपने बैंक के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं फलानी चीज इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है ना इसके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें, जिसका मतलब ये कि बैंक गारंटी करता है कि आप पेमेंट कर सकेंगे जब आपके पास चीज पहुंच जाएगी। तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आपके मुल्क की जो स्टैंडिंग हो वो सही हो। तो जब आप रीसेटलिंग चले जाते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास डॉलर तो है नहीं पेमेंट करने की, तो जो आपका बैंक है उसको कोई बाहर का बैंक वो साथ में उसके साथ काम ही नहीं करेगा, तो आप कैसे एलसीज खोलेंगे, एक बड़ा इशू आ जाए। एक मैं कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया इस चीज को, बट फॉर योर पर्पज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड कि यार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, विच मीन्स के डिफॉल्ट तो करना पड़ेगा, डिफॉल्ट से बचना भी मुश्किल है, मगर डिफॉल्ट में जाते हैं तो भी परेशानी है। तो एक कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली कहानी है कि आप नहीं करते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इवेंचुअली दिस हैज टू बी हैंडल्ड विद अ लॉट ऑफ केयर, दिस इज व्हाई वी नीड टू हैव द राइट एक्सपर्ट्स टू हेल्प अस आउट। यानी हमारे इस वक्त पास जो करंटली जो हमारी फाइनेंस की टीम है इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है आज की तारीख में, और उसमें इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मैनेजर हैं, जिनकी कोई रेपुटेशन खास है नहीं इन चीज़ों के अंदर, उनकी शायद अंडरस्टैंडिंग भी इतनी नहीं है, उनका उनका बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है,
और आई डोंट बिलीव कि यह काम अकाउंटेंट का है। अकाउंटेंट्स की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, ऑडिटर लग जाए वो, मगर उनको एक फाइनेंस और एक इकोनॉमिक्स की समझ इतनी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ही इज द रॉन्ग मैन फॉर द जॉब, ही नीड्स टू बी रिमूव्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा जी, अच्छा, और तो आपने जो बोरिंग की, एक तो मसला के बहुत ज्यादा बोरिंग कर ली, और दूसरा मैंने ये भी लिखा हुआ है दैट द मनी बोरोड हैज बीन इन्वेस्टेड इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स और साइफंड ऑफ। नाउ आपने जो पैसे बोरो किए, अब लेट्स से कि मैंने बैंक से बोरो किए और मैंने वो बोरो करके मैंने 1 लाख रुपए बैंक से बोरो किया, और उस पैसों से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गया और मैंने जो है ना वो 1 लाख रुपए का खाना खिला दिया अपने दोस्तों को किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाके। अब जब वो मुझे 1 लाख रुपए वापस तो करने हैं ना, और अगर मेरी वो 1 लाख रुपए कमाने की इस्तेदात नहीं थी तो मुझे किस हकीम ने कहा था कि मैं जाके वो 1 लाख रुपए का खाना खिला दूँ दोस्तों को। तो यही हाल पाकिस्तान का है कि जब पैसे वापस करने की इस्तेदात नहीं थी तो क्या जरूरत थी वो पैसे बोरो करने की, नहीं करते बोरो, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, वो टाइटनिंग योर बेल्ट वाली कहानी कर लेते। हमने तो मशहूर बातें सुनी है पाकिस्तान के बारे में, एक जमाने में भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे बट न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, तो वगैरह वगैरह। तो भाई घास खा लेते और ये कचरे में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपने वो पैसे बोरो किए और उससे जो आपने एसेट्स बनाए वो एसेट्स ऐसे बना दिए कि उन एसेट्स को चलाने के लिए आपको मजीद जो है ना वो पैसे चाहिए होते हैं, डॉलर्स ही चाहिए होते हैं रेगुलर बेसिस पे। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल पैसे बोरो करके एक पावर प्लांट लगा दिया जो चलता है फर्नेस ऑयल के ऊपर, और फर्नेस ऑयल आपका बाहर से आता है और वो भी महंगा होता चला जा रहा है, और डॉलर आपके पास है नहीं, तो अब आप क्या फर्नेस ऑयल लाने के लिए भी जो है ना वो पैसे बोरो करेंगे, डॉलर बोरो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर अगर चलें आपने उस रिसोर्स को जो क्रिएट किया उससे कोई आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी बढ़ रही जिससे लॉन्ग टर्म फायदा है, तो बात समझ में आती है कि आपने उससे उस पैसे से कुछ जनरेट करके कोई ऐसा ऐसा जनरेट कर लिया है जिससे आपके मुल्क के अंदर इनकम बढ़ रही है, आप एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं, आपकी रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्टिव हो रहे हैं, तो फिर खुशहाली आ सकती है। मगर आपने उस पैसे को लेके अनप्रोडक्टिव एसेट्स में लगा दिया, एक बड़ा सा एयरपोर्ट बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी आपको फॉर एग्जाम्पल, तो उससे आपको कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा, तो फायदा क्या हुआ आपको, सो ये इश्यूज हैं जो कि उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से भी है, और ये मसले हमेशा हमारे मुल्क में रहे हैं। बिकॉज हमारे मुल्क में जब भी गवर्नमेंट्स आई हैं, एटलीस्ट जब से मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट्स, तो किसी ने भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं की। मुशर्रफ साहब की बहुत तारीफ होती है कि उन्होंने इकोनॉमी को अच्छा मैनेज कर लिया था, ठीक है उन्होंने कर लिया था, बट उन्होंने भी काफी काफी इश्यूज क्रिएट किए जिसमें फॉर एग्जाम्पल सीएनजी का एग्जाम्पल मी बॉगल्स द माइंड, क्या जरूरत पड़ी थी सीएनजी उड़ाने की गाड़ियों के अंदर, नहीं समझ आज तक कभी नहीं आया। अच्छा जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लो टैक्स कलेक्शन एंड लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। नाउ हमारे यहाँ जो मुल्क में टैक्सेशन है वो एक हमेशा से पोलिटिकल इशू रहा है, हर मुल्क में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो हमारे यहाँ लोग टैक्स पे नहीं करते, बहुत सारे हमारे बाजार ऐसे हैं जहाँ पे कोई टैक्स नहीं पे करता, इनकम्स अच्छी खासी कमाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, बट दे आर अनविलिंग टू पे। फिर ऑब्वियसली बात है हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कुछ मिलता नहीं है। अब ये इट्स लाइक अ चिकन एंड एग वाली सिचुएशन कि यार हम टैक्स पे करेंगे तो हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए, या पहले आप एजुकेशन दो फिर हम टैक्स पे करेंगे। इसी तरह से हमारी हेल्थ हो गई, इसी तरह से हमारी सिक्योरिटी हो गई, इसी तरह से हमारे और सोशल इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट के अखराजात कैसे चलेंगे भाई? आपकी जो आर्मी है, आपके जो और अखराजात हैं उनके ऊपर आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप जनरेट ही नहीं कर सकते? पर ऑब्वियस सी बात है वो उसमें फिर लोगों की विलिंगनेस एक तो नहीं है, एक आदत कभी नहीं बनी टैक्स पे करने की, और दूसरी बात यह है कि लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि जी गवर्नमेंट हमें कुछ देती नहीं है इन रिटर्न। सो एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इशू कि जी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप, वो गवर्नमेंट कहती है पहले आप टैक्स दें तो फिर हम आपको चीजें देंगे, और लोग कहते हैं जी पहले आप हमें चीजें दें फिर हम आपको टैक्स देंगे। तो ये पहले आप के चक्रों में जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली हमारा टैक्स कलेक्शन जो है ना वो इट्स बिन टेरेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन अ बैड शेप। नॉट ओनली इज आर टैक्स क्वांटिटी द अमाउंट वेरी लो, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट एज अ परसेंटेज ऑफ आर जी डी पी इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन। जी डी पी इज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट्स बेसिकली अ नंबर दैट टेल्स यू हाउ प्रोडक्टिव योर इकोनॉमी इज, आपकी जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो क्या है जो आपके मुल्क में प्रोड्यूस होती है एक साल में। तो हमारा जो टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ आर जी डी पी, दिस इज अ मेजर दैट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट यूज टू सी कि यार टैक्स कलेक्शन का लेवल क्या है, बिकॉज जिसका जी डी पी ज्यादा है उसके यहाँ टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, जिसका जी डी पी कम है उसके यहाँ टैक्स कलेक्शन कम होगा, मगर अक्रॉस द बोर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सर्टन लेवल तो होना चाहिए, राइट? कंपेयर टू द रीजन, पाकिस्तान में
कितना है वर्सेस इंडिया में कितना है वर्सेस बांग्लादेश में कितना है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियोज इन द वर्ल्ड। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वी कलेक्ट वेरी लिटिल टैक्स। तो भाई वो इतनी सारी जीडीपी है तो उसमें से टैक्स क्यों नहीं आता, राइट? और उसको फिक्स क्यों नहीं किया जाता? इट्स अ वेरी पॉलिटिकल इशू। सो फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दैट आर नॉट टैक्स्ड। ओके, सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा टैक्स नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं इतना होता। और हमारी जो मेन जो फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि आपका इनकम टैक्स है, आपकी इनकम भी है उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी महीने की 5 लाख रुपए है, उसके ऊपर आपका लेट्स से महीने का तकरीबन 60,000 रुपए के हिसाब से टैक्स जाएगा। आई थिंक 60,000 के आसपास ही, 5 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त। सो आपकी जो इनकम होगी उसमें जब आपको आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करेगा, वो 5 लाख की सैलरी में से 60,000 रुपये टैक्स काटेगा, बाकी 4,40,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। और वो जो 60,000 रुपये हैं वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा कि जी मैंने ये सामान साहब की सैलरी में से टैक्स काट लिया। इसको डायरेक्ट टैक्सेशन कहा जाता है, ठीक है जी? और इसी तरह का इनकम टैक्स कंपनीज भी पे करती हैं, जो कंपनीज हैं जो उनकी सालाना इनकम होती है उसके ऊपर उनका टैक्स कैलकुलेट होता है, वो पे करते हैं। इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर टैक्स लगता है, तो ये सारा अर्निंग्स के ऊपर टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्सेशन कहा जाता है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आपका सेल्स टैक्स आ जाता है, आपका वीएटी आता है, आपका एक्साइज ड्यूटी आता है, वो सब चीज़ें आती हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, दैट इज़ ऑन कंजम्पशन यूजली। के जी, अब आप फॉर एग्जाम्पल खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आई थिंक इस वक्त 17% टैक्स है। तो अगर आपका 1,000 रुपये का बिल आता है तो 1,000 रुपये तो रेस्टोरेंट ने आपसे चार्ज करने हैं, और 17% का मतलब 170 रुपये वो टैक्स भी लगाएगा, तो आपका बिल टोटल 1,170 रुपये हो जाएगा। उस 1,170 में से 1,000 रुपये अपने पास रखने हैं रेस्टोरेंट ने, और 170 रुपये उसने गवर्नमेंट को जमा कराने के, जी आज हमने इतना सेल्स टैक्स जनरेट किया है, ठीक है जी? दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, इसको कहा जाता है, बिकॉज एवरीबडी पेज इट एट द सेम परसेंटेज। बट ऑब्वियसली बात है, यू नो, गरीब आदमी जो है वो 1,000 रुपये खाना नहीं खाएगा, वो 100 रुपये खाना खा लेगा, और जहाँ खाना खाएगा मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे टैक्स चार्ज भी नहीं होगा। सो खैर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं, बट दोनों केसेस में हमारा जो टैक्स टू जीडीपी कलेक्शन है वो बहुत स्लो, बहुत लो है। और जब तक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी नहीं बनती हैं जिसके बेसिस पे हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बेहतर हो जाए, तब तक हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते अपनी गवर्नमेंट की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट करने के लिए। सो ये हैं मेन इश्यूज जो विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। अब नाउ यू नीड टू डू, वॉट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज कि आप इन चीज़ों को देखें और इसके ऊपर मजीद रिसर्च करें, रीड मोर आर्टिकल्स। आपको डॉन के आर्टिकल्स अच्छे मिल जाएंगे, बिजनेस रिपोर्टर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दे आर सम एक्सलेंट पॉडकास्ट ऑन दिस। लुक अप आतिफ मियाँ, उजैर यूनुस को देखें, उजैर यूनुस इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। अमार हबीब खान है, इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। तो ये लोग ऐसे हैं, यंग लोग हैं सारे, जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाते हैं, जो इन इशूज को डिस्कस करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू लुक दम अप एंड देन डू अ बिट मोर रिसर्च, एंड देन इंशाल्लाह यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लाफिज।